Good morning, dear students. Today I am going to teach you the first poem of our book. The title of the poem is A Photograph and the poetess is Shirley Tolson. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको पहली पोयम पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है अ फोटोग्राफ और जो पोएटेस हैं उनका नाम है शर्ली टेशन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट हर मदर। यहाँ पर जो पोएटेस है वो अपनी माँ के बारे में बताती है। वंस शी सॉ द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर, एक बार उसने अपनी माँ की एक पुरानी फोटो देखी। मैनी मेमोरीज आर रिलेटेड विद दिस फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ के साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। सो शी हैज डिस्क्राइब्ड इन दिस पोयम अबाउट हर मदर, इस पोयम में उसने अपने माँ के बारे में हमको बताया है। नाउ लेट अस रीड द पोयम। द कार्डबोर्ड शोस मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पेडलिंग, each one holding one of my mother's hand and she, the big girl, some 12 years or so. यहाँ पर poetess कह रही है, the cardboard shows me how it was when the two girls cousins went peddling. कि यहाँ पर वो हमको बताती है poetess की वो एक फोटो देखती है और इस फोटो में वो देखती है कि उसकी माँ अपनी दो कजिन्स के साथ अपनी दो सिस्टर्स के साथ समुद्र के किनारे घूमने के लिए जाती हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, बहनों ने उसकी माँ के दोनों हाथों को पकड़ रखा है। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, और उसकी माँ अर्थात जो पोएटेस है उसकी माँ जो है वो अपनी दोनों कजिन से लगभग 12 साल बड़ी है और उसने उन दोनों का हाथ सावधानी से पकड़ रखा है क्योंकि वे समुद्र किनारे पानी पर टहल रहे हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, ऑल द एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांसियंट फीट। इस स्टंजा में पोएटेस हमको बताती है ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, तीनों ही कैरेक्टर्स पोएटेस की मदर और उनकी दो सिस्टर्स जो हैं वो वहाँ पर शांत खड़ी हैं और वो मुस्कुरा रही हैं क्योंकि उनके जो अंकल हैं वो कैमरे से उनकी तस्वीर लेने को तैयार हैं। चूंकि हवा तेज चल रही है इसलिए उनके बाल जो हैं वो उनके चेहरों पर आ रहे हैं और जो तस्वीर है उसको सुंदर बना रहे हैं। As my mother's is that was before I was born, मेरी माँ ये तस्वीर उस समय की है, पोएटेस बोलती है, जब मैं पैदा नहीं हुई थी। एंड द सी विच appears टू हैव चेंज लेस, और पोएटेस कहती है कि तब से माँ की तस्वीर या माँ का चेहरा बहुत अधिक बदल चुका है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, लेकिन जो समुद्र है वो उस समय भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही नज़र आता है। वॉज देयर टेरिबली ट्रांसियंट फीट, और समुद्र जो है उसकी जो लहरें हैं वो उनके पैरों को धो रही हैं, अर्थात समुद्र जो है वो आज से कई वर्ष पहले जैसा था आज भी वैसा ही है, लेकिन उसकी माँ की तस्वीर जो है वो तब वो जैसी थी जब लेखिका पैदा पोएटेस पैदा नहीं हुई थी और आज वो पैदा हो चुकी हैं तो उसमें बहुत अंतर है, अर्थात उसकी माँ की तस्वीर का में जो चेहरा है वो बदल चुका है काफ़ी हद तक, लेकिन समुद्र जो है वो आज भी वैसा ही नज़र आता है जैसा कि वो उस समय नज़र आ रहा था जिस समय वो उनके पैरों को धो रहा था। स्टेंजा नंबर थर्ड, सम 20-30 ईयर्स लेटर सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। नाउ पोएटेस कहती है जब उसकी माँ 20 या 30 साल बाद उस फोटो को देखेगी तो वो हंसेगी। उनको हंसी आ जाएगी
See Betty and Dolly, she would say, and look how they dress us for the beach, the sea holiday. और उनको यह देखकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वो अपनी दोनों कजिन्स को देखेंगी, बेटी और डॉली को, और उन्होंने समुद्र के किनारे छुट्टियां मनाने के लिए जिस प्रकार के कपड़े पहने थे, उन कपड़ों को देखकर, उन पोशाकों को देखकर भी उसको बहुत हंसी आएगी। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर पोएटेस कहती है कि जब उसकी माँ 20 या 30 साल बाद अपनी उस फोटो को देखेगी तो वो हंसेगी और उसको यह देखकर बड़ी हंसी आएगी कि जब वो समुद्र के किनारे छुट्टियां मनाने के लिए अपनी दो कजिन्स बेटी और डॉली के साथ गई तो उस समय उन्होंने किस प्रकार की पोशाक पहन रखी थी। स्टेंजा नंबर 4, वॉस हर पास माइन इज हर लाफ्टर बो राय विद द लेवर्ड ease of loss, now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of the circumstances there is nothing to say at all, its silence silences. इस स्टेंजा में पोएटेस हमको बताती है, was her past, कि जो तस्वीर वो देख रही है वो उसकी माँ का भूतकाल था, mine in her laughter, और आज वो उनको देखकर हंसती है, both राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेकिन आज दोनों ही दुखी हैं। पोएटेस इस बात को लेकर दुखी है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ अगर इस समय होती तो इस बात को सोचकर दुखी होती कि उसका जो पिछला जीवन है जो उसने समुद्र के किनारे प्रसन्नतापूर्वक बिताया था वो समय अब वापस लौट कर नहीं आ सकता। नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और उसकी माँ को मरे हुए बहुत लंबा समय हो चुका है जब वह फोटो खिंचवाई थी, तब से उसकी माँ को मरे हुए बहुत लंबा समय हो चुका है, अर्थात पोएटेस के पास अब वो फोटो है जिसको वो याद करती है, उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए पोएटेस क्या है बहुत दुखी है इस बात को सोचकर कि अब उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, और उसकी माँ जिंदा होती तो इस बात को सोचकर दुखी होती कि अब वो पुराना समय जो उसने प्रसन्नतापूर्वक समुद्र किनारे बिताया था वो वापस लौट कर नहीं आएगा। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल इट साइलेंस साइलेंसेस, यहाँ पर पोएटेस कहती है, इस परिस्थिति को देखकर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इस परिस्थिति को देखकर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए पोएटेस जो है वो शांत हो जाती है, चुप हो जाती है और खामोश हो जाती है और उन फोटोग्राफ उस फोटो को देखकर पुरानी यादों में खो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रीडिंग ऑफ द पोयम फोटोग्राफ बाय सरली डॉल्सन। रीड दिस पोयम वंस और ट्वाइस, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।